नमस्ते, मेरा नाम अवकाश कुमार पांडे है। मैं अपने जीवन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और कुछ सच्ची घटनाएं बताऊंगा, आपको अच्छे से विस्तृत तरीके से बताऊंगा और आपको अपनी बात रखने का किस तरीके से किसके पास रखें कि आपकी बात को सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक हों, उसके बारे में भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कहीं पे मंच पे बैठ करके बात करनी है, मंच पे जाके कहीं पे भाषण देना है, कहीं पे स्पीच देनी है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से जाके आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज लाइफ में हैं, स्कूल में हैं या कहीं पे भी आप हैं, आपको मंच पे बुलाया गया, आपको वहाँ पे जाते हुए आपको वहाँ पे जा करके शर्म महसूस हो रहा है, आप वहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप वहाँ पे जा करके बोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो वीडियो के अगले कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मंच पे जा रहे हैं आप। चलिए, मंच पे जाते समय आपके मन में एक ही चीज, एक ही प्रश्न, एक ही चीज चलता रहना चाहिए कि मुझे वहाँ पे जा करके करना क्या है। अब आप जा करके मान लीजिए मेरी जगह पे आप मंच पे खड़े हो गए हैं और आपको एक छोटी सी स्पीच देनी है कि बच्चों को मान लो सुधारने के लिए, आप बच्चे को नशे मुक्त करने के लिए एक स्पीच देनी है, वहां पे जा करके आप खड़े हो गए, तो आपका निगाह कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पे सामने एकदम फेस आपके सामने जो पब्लिक बैठी हुई है, जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके एकदम ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए, लेकिन उनके आंखों के ऊपर नहीं। या अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ऐसे एकदम सामने आंखें कीजिए और एकदम सीधे एंगल पे खड़े होकर 90 अंश के कोण की तरह आप अपने निगाह को ध्यान में रखते हुए एकदम पीछे वाले कतार पे आपका निगाह होना चाहिए। सबको आप एकदम समझ लीजिए यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, अपने मन की बातों को रखने शुरू कर दीजिए। जैसे आपके मन में क्या चल रहा है आप उसको एकदम सही मान करके, जो आपका दिल एकदम सही है कि ये चीज सही है, उसी वर्ड को आप बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बोल के बताता हूँ, जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है नशा मुक्ति के लिए, तो हमको बोलना चाहिए पहले मैं विद्या के जननी सरस्वती माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, यहाँ पे बैठे प्रचार महोदय के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके और यहाँ पे सभी सर टीचर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और छोटों को मैं अपनी आशीर्वाद देता हूँ। इस बात को लेते हुए मैं अपने सर से आज्ञा चाहता हूँ कि मैं अपने छोटे भाइयों को और बड़े भाइयों को कुछ छोटी सी अपनी विचार रखना चाहता हूँ, उनको कुछ बताना चाहता हूँ। इसके आगे मैं अपना फिर भाषण शुरू करूंगा, गुरु से एक बार प्रणाम करके उनसे आज्ञा लूंगा, फिर उसके बाद वो आज्ञा देंगे और अपने आज्ञा उनके पाते ही हम अपने भाषण को शुरू करेंगे। भाषण में मेरा पहला वर्ड क्या होना चाहिए? भाषण में मेरा पहला वर्ड यही होना चाहिए कि मैं आप लोगों के सामने नशा मुक्ति के लिए एक विचार रखना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के जनहित कल्याण में कार्यरत होगा, इससे हम लोग जो है बच सकते हैं, नशा मुक्त हो सकते हैं। तो आज के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे युवा, हमारे छोटे छोटे युवा भाई बहन सभी लोग नशा में पड़ जा रहे हैं। नशा में क्या, जैसे नशा उसी चीज को नहीं कहा जाता है कि जो ये बीड़ी सिगरेट गांजा दारू ये सब है, ये भी एक नशा ही है, लेकिन नशा उस चीज को भी कहा जाता है जो जिस चीज के लिए हम परंपरा बार बार उसके लिए उद्विग्न हो रहे हैं, बार बार उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसको भी नशा कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप बार बार मोबाइल के ही पीछे भाग रहे हो, बार बार उसके आप खोल करके यूट्यूब खोल करके बार बार शॉर्ट वीडियो देखने का आपको लत लग गई है, उसको भी एक नशा ही कहा जाएगा। तो अगर इसको छुड़ाना है हमको तो किस तरीके से छुड़ाएं, इसके बारे में भी हमको बताना चाहिए, और बीड़ी सिगरेट गुटखा से किस तरीके से बचें उसके बारे में भी बताना चाहिए, इससे क्या हानियां होती हैं उसको भी हम बताएंगे और आगे क्या क्या चीज हमको नहीं करना चाहिए उसको भी बताएंगे। अब मैं बताता हूँ पहले बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि जो नशा है इससे हमको क्या क्या हानि होती है। हमारे बीड़ी पीने से हमारे फेफड़े जल जाते हैं जिससे कैंसर होने का चांस अधिक बढ़ जाता है। हमें गुटखा खाने से हमारे गलफड़े में छीलन आ जाती है जिससे वहाँ पे कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमको
जो है, और इत्यादि नशाएं करने से हमको, दारू पीने से हमारी किडनियां फेल होने की हो जाती हैं, कैंसर होने का शिकायत हो जाता है, टीबी हो जाती है और अन्य प्रकार के हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हम पीड़ित हो जाते हैं। और हमको इसके बारे में बहुत सारे, देखिए चाहे जो चीज नशे की है उस पे एडवर्टाइज में भी लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है, उसको भी हमको दिखाया जा रहा है, पर लेकिन हम उस नशा में लगे हुए हैं। इससे हमको बचने के लिए, इससे बचने के लिए हमको हमेशा अपने कार्य को ध्यान देते हुए गलत चीजों से दूर रहना है। इस सब चीजों को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने अपना विचार रखता हूँ, जिन भाइयों को ये लत नहीं लगी है वो हमेशा के लिए बचे रहें, और जिनको लग गई है वो भी इससे निकलने का प्रयास करें। कोई भी चीज मानव से बढ़ के नहीं होती है, मंजिलें वही हासिल करते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके अंदर हौसला है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ तो आप अवश्य छोड़ सकते हो। इस तरीके से अगर आप, जिस तरीके से आप किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बुरे व्यक्ति, किसी भी बुरी लत को छोड़ने का अगर प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, आपके मन में कुछ भी विचार चलते हैं तो आप छोड़ सकते हो। निश्चित आप उसके ऊपर, जो आपके ऊपर वो हावी हुआ है उसको आप हमेशा के लिए हटा सकते हैं। आप, मैं दावा करता हूं अगर आप संकल्प लेते हैं तो जरूर से जरूर हटा सकते हैं। और संकल्प में ऐसा चीज लीजिए जो आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, उस चीजों का संकल्प लीजिए। एक बार संकल्प टूटेगा, दो बार संकल्प टूटेगा, तीन बार टूटेगा, चौथी बार आप जरूर सक्सेस होंगे। आप जरूर से जरूर कर सकते हो। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको अगर मान लीजिए मोबाइल का ही लत लग गया है, गेम खेलने का लत लग गया है, तो उसको छोड़ने के लिए आपको किस तरीके से छोड़ सकते हैं? जब आपका इसको चलाने का मन कर रहा है, आप अपने दादाजी के पास जाके बैठ जाइए, आप अपने पिताजी के पास जाके बैठ जाइए, उनसे कोई अच्छी बातें करने लगी, गहन अध्ययन करने लगी, कोई किताब लेकर बैठ जाइए, कोई पुरुषार्थ पढ़ने लगी, कोई जीवनी पढ़ने लगी, आपके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आएंगे। मैं सच सच आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप एकदम निश्चिंत इन विचारों से दूर हट जाएंगे, आप निकल सकते हो, आप बुराइयों से बच सकते हो। इस तरीके से आप अपने स्पीच को मंच पर जाकर के दे सकते हो। आप एकदम जो आपके मन में, जो आपके दिल में विचार चल रहे हैं उस विचार को आप प्रस्तुत कर सकते हो। अगर आप अपने विचार को रखने में सक्षम नहीं हो तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए अपने जीवन को सफल करने के लिए आपको जहां पर भी बोलना है, एकदम अपने हृदय को, अपने दिल को एकदम थाम करके, एकदम हमेशा के लिए, एकदम कहीं पर डर करके नहीं बोलना है, आपको एकदम खुल करके बोलना है, तो आप हर एक विचार को किसी के सामने रख सकते हो। मैं अपने वाणी को इसी से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।